हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं कुछ सैपलिंग रिपोर्ट कर रही थी तो साथ में मुझे याद आया कि मैंने रनर से कुछ स्ट्रॉबेरी लगाए हुए थे तो इनको भी मैं रिपोर्ट कर लूँ। इसमें देखिए तीन प्लांट हैं, एक दो और तीन, तो मैं सोच रही इनको मैं तीनों को एक साथ ही रहने दूँ क्योंकि मैंने ये रनर से ही लगाए थे। छोटे छोटे प्लांट अभी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे हैं नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ इनकी नहीं है। ये देखिए रनर एक इस प्लांट से ये प्लांट निकला, फिर इससे ये निकला, इस तरह करके तीन प्लांट यहाँ पर तैयार हुए हैं। कुछ मैंने सैपलिंग भी रिपोर्ट करी हुई है। पोटिंग मीडियम मेरा वही है, राइस एस्क, सैंड, मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, बोन मिल, यही सारी चीज़ें मैं मिला के लगाती हूँ। ये देखिए एक सिल्वर डस्ट का प्लांट भी है, मैं सैपलिंग लेकर के आई थी। एक बार मैंने इसको रिपोर्ट किया तो देखिए इसमें काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, तो आज मैं इसे भी रिपोर्ट कर लूँगी। कुछ जेरेनियम और पैंजी और एक पिटूनिया, देखिए मैंने ये जेरेनियम है, एक गजानिया है, एक पिटूनिया, इनको मैंने रिपोर्ट कर लिया है। तो एक मैंने बड़ा सा पॉट लिया है, इसमें मेरा अडेनियम का प्लांट लगा हुआ था, जो ये वाला प्लांट आप देख रहे हैं ना, इसी पॉट में लगा था। थोड़ा मतलब ऐसे कुंडे टाइप का पॉट है, गहराई ज़्यादा नहीं है, गहराई लगभग 8 या 10 इंच की गहराई है और ये जो चौड़ाई है लगभग 12 से 14 डायमीटर है इसका। तो मैं इसी में तीनों प्लांट सोच रही हूँ लगा दूँ तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो चलिए इसकी मिट्टी, मैंने वैसे तो मिट्टी मिक्स कर ली है पर थोड़ा सा बोन मिल और नीम की खली से मिलाना बाकी है अभी, तो यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो चलिए इनको पहले साइड कर देते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको मैं इसी तरह से नई नई वीडियो आप लोगों के साथ लेकर के आती रहूँगी, और अच्छी लगेंगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी है, इसमें मेरा जो डीकम्पोज राइस हस्क है ना, उसी को मैंने मिक्स किया है। देखिए पूरा राइस हस्क डीकम्पोज है, आपको दिख रहा होगा ब्लैक किस कलर हो गया है इसका, तो वही वाला मैंने मिलाया है। इसमें मैं थोड़ी सी मिलाऊंगी किचन वेस्ट कंपोस्ट भी, जो कि मेरी यहाँ पे बोरी में भरी हुई रखी है। चलिए इसको भी निकाल लेते। ये देखिए ये हमारे किचन वेस्ट कंपोस्ट है, इसको भी मैंने एक डिब्बा लगभग एक मग मिला लिया है, और सैंड वगैरह सब इसमें मिक्स है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी बोन मिल और नीम की खली। लगभग एक मुट्ठी के लगभग इसमें मैं बोन मिल मिला दूंगी क्योंकि एक फ्रूटिंग प्लांट है, फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनिक आप चाहे तो DAP भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है अगर हम केमिकल डालते हैं ना स्ट्रॉबेरी में तो नुकसान कर देता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देते हैं। भले चाहे बोन मिल आप लोगों को पसंद ना हो, लेकिन ये मिट्टी में रहेगा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिट्टी के अंदर रहेगा। कौन सा हम प्लांट के ऊपर फलों में डाल रहे हैं इसको, तो ये देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक पोटाश भी लूँगी लगभग 1 चम्मच। ये देखिए तो इतना हमने ये मिक्स कर लिया फर्टिलाइज़र, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सॉइल को और वेल डन बनाने के लिए आप चाहे तो राइस हस्क और मिक्स कर सकते हैं। तो किचन वेस्ट मेरा छाना हुआ नहीं है पर डीकम्पोज काफ़ी अच्छा है, पूरा 1 साल पुराने किचन वेस्ट कंपोस्ट थी तो इसलिए मैंने इसको मिला लिया है। ये देखिए चाहे तो इसमें थोड़ा सा और राइस हस्क आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा राइस हस्क इसमें डीकम्पोज वाला राइस हस्क है। अब यहाँ पे हम एक ठीकरी रख लेते हैं गमले की, क्योंकि तो ज़रूरी होती है होल को कवर करना, ये पुराना कुछ मीडिया इसमें चिपका हुआ है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। देखिए इसके नीचे पाए भी बने हैं छोटे छोटे से, काफ़ी अच्छा पॉट है। मैं अडेनियम के लिए इसको लेकर के आए थे, काफ़ी साल मेरा अडेनियम इसमें लगा भी रहा, मतलब मैंने 4-5 साल उसमें लगाया प्लांट को, 4 साल के लगभग। इतना मोटा पॉट है, पता नहीं ऊपर से कैसे टूट गया, बच्चों ने गिरा दिया, नहीं तो काफ़ी मजबूत सा था ये पॉट और टूट गया वो। तो ये देखिए मिट्टी को मिक्स करते हैं अच्छे से और भर देते हैं इसमें, ऐसे तो बड़ा टाइम लगेगा। एक मिनट, तो देखिए इतना हमने भर दिया है इसको, और अब हम प्लांट को निकालते हैं। तीन प्लांट है हमारे, तीन प्लांट के हिसाब से काफ़ी अच्छा पॉट है ये देखिए, और मैं इसको इसमें लगा दूंगी। अभी तक मैं स्ट्रॉबेरी के प्लांट नर्सरी से लेकर के नहीं आई हूँ, तो उसको भी मैं लेकर के आऊँगी किसी दिन। तो ये देखिए इस तरह से प्लांट को निकाल के हमने रख लिया, अब इसके चारों तरफ से हम मिट्टी भर देते हैं। थोड़ा सा प्लांट डिस्टर्ब हो गया, एक चीज़ ध्यान रखना है इसका जो ये रनर है ना, ये रनर वाला पार्ट, इसको आपको दबा के नहीं रखना है, इसको ओपन रखना है यहीं से, क्योंकि इसमें ब्रांच निकलती है, यहीं से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है।
तो इसको आपको थोड़ा सा ओपन करके रखना है, देखिए इस तरह से, और आसानी से इस तरह से हमने लगा दिया इसे, तो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। ये क्या था, डिकम्पोज राइस हस्क में ही मैंने उस समय लगा दिया था और कुछ भी नहीं मिलाया था पॉटिंग मीडिया, तो ये ग्रो नहीं कर पाया बहुत अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनको रिपोर्ट कर दिया है, और एक बार हम अच्छे से पानी दे देंगे इसको, प्लांट को। देखिए एक केचुआ भी इधर आ गया। तो ये देखिए तीन प्लांट हमने एक साथ यहाँ पे रिपोर्ट कर दिए हैं। तो ये देखिए इसको लगाने के बाद हम अच्छे से फंगीसाइड वाला पानी एक बार डाल देंगे। और अभी एक दो दिन में इसको छाया में ही रखूंगी, उसके बाद धीरे धीरे इसको धूप में शिफ्ट कर दूंगी। देखिए पानी कितना जल्दी अंदर चला गया है। और आप भी इस तरह से स्ट्रॉबेरी के प्लांट अभी ला करके नर्सरी से लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बस विंटर का ही टाइम होता है जो हमारे यहाँ ये ग्रो होता है, उसके बाद तो ये वैसे भी ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते प्लांट। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।